नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीएसएससी पेपर लीक में दानापुर से 3 गिरफ्तार। बिहार नगर निकाय चुनाव के तीसरे चरण की फरवरी में होगी घोषणा। राज्य के सरकारी स्कूलों में इस दिन से शुरू होगी वार्षिक परीक्षा। अब ट्रेनों में बिहार के यात्री ले सकेंगे लिट्टी चोखा का स्वाद। श्रीलंका से मिली हार के बाद इस खिलाड़ी पर फूटा कप्तान हार्दिक का गुस्सा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएससी पेपर लीक में दानापुर से 3 गिरफ्तार। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम यानी कि ईओयू के द्वारा बीएसएससी के ओएसडी मनोज कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए दानापुर के बीएस कॉलेज स्थित केंद्र पर परीक्षा दे रहे रोहतास के विक्रमगंज के धनगाई कचहरी गाँव के निवासी प्रशांत कुमार और उसके दोस्त सहित दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि प्रशांत कुमार ने 12:14 बजे अपने मोबाइल से प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर 1:10 बजे अपने दो मित्रों को भेजा था। इस संबंध में ईओयू के द्वारा कांड संख्या 1/2023 दर्ज किया गया है और आरोपितों पर आईपीसी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। फिलहाल इस मामले पर आगे की कार्रवाई चल रही है। जाति आधारित जनगणना को लेकर सीएम नीतीश का बयान। बिहार में कल से जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने समाधान यात्रा के दौरान इसे लेकर अपनी बातें सामने रखी। उन्होंने कहा कि बिहार में कल से जाति आधारित जनगणना हो रही है, जिससे कई बातें सामने आएंगे। इसी के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि हमें आगे क्या क्या करना है। इससे जुड़ी एक एक जानकारी सरकार तक पहुंचाई जाएगी और इसी के आधार पर हम लोगों के विकास के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा थी कि जाति आधारित जनगणना देश स्तर पर हो, पर बाकी लोग इससे सहमत नहीं हुए, इसलिए अब पहले बिहार में करवा ले, फिर देश स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराने की बात को आगे बढ़ाएंगे। सरकार का बड़ा फैसला, इन टीचरों को नौकरी से धोना होगा हाथ। बहुत जल्दी बिहार में उन शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है जिन्होंने 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण नहीं लिया है। इस बात की जानकारी बिहार सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश के द्वारा पत्र लिखकर दी गई है। रवि प्रकाश के द्वारा इस पत्र को लिखकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचित करते हुए निर्देश दिया गया है कि जो भी शिक्षक अनुकंपा के आधार पर बिना ट्रेनिंग किए ही नियुक्त हुए हैं, उनकी सेवा को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। इसके साथ ही इस पत्र में भी जानकारी दी गई है कि राज्य में वैसे शिक्षक जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग 31 मार्च 2019 के बाद और 19 अक्टूबर 2022 तक पूरी की है, उन्हें उनकी ट्रेनिंग पूरी करने के अवधि से नियुक्त माना जाएगा और उसी दिन से उनके सेवा की गणना की जाएगी। ठंड ने 64 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा। बिहार में ठंड दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। पछुआ हवा से प्रदेश में कनकनी बढ़ रही है। बता दें केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाब सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार साल 1960 से लेकर साल 2023 तक अधिकतम तापमान सबसे कम रहा है। अर्थात उत्तर बिहार में पिछले 64 सालों में सबसे कम अधिकतम तापमान जनवरी का आज यानी 6 जनवरी को दर्ज किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों तक लोगों को ठंड से किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं मौसम विभाग की ओर से शीतलहर को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि राज्य में 9 जनवरी के बाद ही ठंड में किसी तरह की राहत मिल सकती है। बिहार नगर निकाय चुनाव के तीसरे चरण की फरवरी में होगी घोषणा। बिहार नगर निकाय के 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब ऐसे में तीसरे चरण के चुनाव की घोषणा फरवरी में की जाएगी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि तीसरे चरण में मधुबनी व सहरसा नगर निगम सहित 24 नगर निकायों में चुनाव कराए जाएंगे। फिलहाल अभी तीसरे चरण के लिए तैयार की गई बूथों की जांच की प्रक्रिया चल रही है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सके। बताते चले कि राज्य में कुल 261 नगर निकाय हैं, जिनमें से पहले और दूसरे चरण में 224 नगर निकायों में चुनाव संपन्न करा दिया गया है। वहीं अब बाकी बचे नगर निकायों में चुनाव की प्रक्रिया तीसरे चरण में पूरी करवाई जाएगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में इस दिन से शुरू होगी वार्षिक परीक्षा। शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राज्य के सरकारी स्कूलों में होने वाले वार्षिक परीक्षा 2023 को लेकर तिथि जारी कर दी गई है। जारी की गई शेड्यूल के अनुसार सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 5 और 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा 13 से 16 मार्च तक होगी। वहीं कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6 से 7वीं तक विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा 17 से 21 मार्च तक कराई जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सभी परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें से पहली पाली की शुरुआत सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी तो वहीं दूसरी पाली की परीक्षा का समय दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। वंदे भारत पर पथराव को लेकर 3 नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा। बीते 30 दिसंबर को न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुए
पथराव को लेकर यह साफ हो गया है कि इस ट्रेन पर पथराव बंगाल में नहीं बल्कि बिहार में हुआ था। वहीं अब इस मामले को लेकर पोठिया पुलिस के द्वारा फुटेज के आधार पर 3 नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। वहीं फिलहाल एक किशोर की तलाशी चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार इन तीनों नाबालिगों की उम्र 14 साल से कम बताई जा रही है और तीनों आरोपी पोठिया थाना क्षेत्र के निमला गांव का निवासी है। बता दें कि बीते दिन इस मामले को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लग रहे आरोपों पर ममता बनर्जी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी और कहा था कि यह घटना बंगाल में घटित नहीं हुई है बल्कि बिहार में हुई है। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में मिले 2 नए कोरोना मरीज। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 47,525 कोरोना सैंपल जांच किए गए, जिसमें 2 नए केस सामने आए हैं। दोनों नया संक्रमित गया जिले से मिला है, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है, जिसके बाद वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव केस की कुल संख्या 12 है। बता दें कि बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 98.553% है। इस बात की जानकारी बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ट्वीट शेयर कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अभी राज्य में जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनके जीनोम सिक्वेंसिंग IGIMS में कराना सुनिश्चित कराया जा रहा है। बिहार के 4 ट्रेन हुए 2 के बदले मार्ग। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 8 से 20 जनवरी तक पूर्व मध्य रेल से खुलने व गुजरने वाले कुछ ट्रेनों को उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर बांदीकुई रेलखंड में खातीपुरा स्टेशन को उपनगरीय स्टेशन बनाने के कार्य को लेकर रद्द कर दिया गया है। तो वहीं कुछ ट्रेनों के परिचालन में बदलाव कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें 1, 2, 4, 9, 5 बीकानेर कोलकाता प्रताप एक्सप्रेस, 1, 2, 4, 9, 6 कोलकाता बीकानेर एक्सप्रेस, 1, 5, 7, 1, 5 किशनगंज अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस और 1, 5, 7, 1, 6 अजमेर किशनगंज गरीब नवाज एक्सप्रेस शामिल है। वहीं जिन 2 ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है उनमें 1, 2, 9, 8, 8 अजमेर सियालदह एक्सप्रेस और 1, 9, 2, 6, 9 पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस शामिल है। राजधानी पटना में शुरू हुई गणतंत्र दिवस की तैयारी। बिहार की राजधानी पटना में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके लिए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक बहुसदस्यीय उप समिति की गठन भी की गई है, जो आज से गांधी मैदान का भ्रमण कर तैयारी से संबंधित बिंदुओं पर काम शुरू करेंगे। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी के लिए गांधी मैदान को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 6 जोन में बांटा गया है और फिलहाल गांधी मैदान में घासों की कटाई, गड्ढों की भराई तथा पेड़ों की छटाई जैसे कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गांधी मैदान में संयुक्त परेड रिहर्सल 11 जनवरी से शुरू की जाएगी, जो कि 25 जनवरी तक चलेगी। अग्निवीर युवाओं को मिलेगी स्नातक की डिग्री। वैसे युवा जो अग्निवीर बनना चाहते हैं लेकिन साथ ही उन्हें अपने आगे की भविष्य और पढ़ाई की भी चिंता है, अब ऐसे अग्निवीर युवाओं के भविष्य और करियर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री भी दी जाएगी। हालांकि ये डिग्री उन्हें इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू की ओर से दी जाएगी। बता दें कि अग्निवीर की सेवा का पहला वर्ष खत्म होने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो वहीं दूसरा वर्ष खत्म होने पर ग्रेजुएट डिप्लोमा और तीसरा वर्ष खत्म होने पर ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। इसके साथ ही अग्निवीर युवाओं स्किल सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। ये सभी सुविधाएं अग्निवीर युवाओं को मिल सके इसके लिए तीनों सेनाओं ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अब ट्रेनों में बिहार के यात्री ले सकेंगे लिट्टी चोखा का स्वाद। IRCTC के द्वारा ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खाने की नई मेन्यू जारी की गई है, जिसके तहत अब यात्री अपनी यात्रा के दौरान ट्रेन के पैंट्री कार्ड में मनचाहे व्यंजनों का स्वाद ले पाएंगे। बता दें कि अब यात्री बाजरे, मक्के की रोटी व साग के अलावे लिट्टी चोखा का भी स्वाद ले सकते हैं। वहीं कई ट्रेनों में दही चूड़ा का भी शुरुआत किया जा रहा है। IRCTC के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह सुविधा जनवरी 2023 के अंत तक सभी ट्रेनों में लागू करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस तैयारी के तहत सबसे पहले यह सुविधा राजधानी एक्सप्रेस में मुहैया कराई जाएगी, जिसके बाद ही अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनों में भी इसकी सुविधा को लागू कर दिया जाएगा। बिहार का पहला ग्रीन कॉन्सेप्ट तारामंडल तैयार। बिहार का पहला ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर बना तारामंडल दरभंगा जिले के बेला स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बनकर तैयार हो गया है। वहीं अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के दौरान 12 जनवरी को इस तारामंडल को जनता के लिए समर्पित करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर बना तारामंडल के निर्माण का पहला चरण पूरा कर लिया गया है, वहीं दूसरे चरण के निर्माण को लेकर कार्य काफी तेजी से हो रहा है। मालूम हो कि इस तारामंडल का निर्माण बिल्कुल आधुनिक तरीके से किया गया है, जिसमें पूरी तरह से सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। बताते चले कि तारामंडल का निर्माण बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से करीब 164 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है।
श्रीलंका से मिली हार के बाद इस खिलाड़ी पर फूटा कप्तान हार्दिक का गुस्सा। बीते दिन श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में भारत को 16 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा और अब सीरीज में 1-1 की बराबरी बन गई है। वहीं मिली हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ बेसिक गलतियां की है जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन नो बॉल फेंकना एक गुनाह है। सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल ने काफी शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ने अच्छी साझेदारी निभाई जिससे हम मैच में बने हुए थे, लेकिन यह मैच हमारे नसीब में नहीं थी। गौरतलब है कि इस मैच के दौरान अर्शदीप सिंह ने 5 नो बॉल फेंके, तो वहीं उमरान और शिवम मामी ने 1-1 नो बॉल डाले। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.62 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.25 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, कुमारी संजना, दीपक कुमार यादव, सीमा कुमारी, पिक्कू प्रदीप, विशाल सिंह, कुश कुमार यादव, रवि कुमार राज, अनवर करीम खान, रंजीत यादव, परमात्मा सिंह, मोहम्मद नौशद राजा, सरिता पासवान, मोहम्मद सकीर हुसैन। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बीते दिन श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे T20 सीरीज के दूसरे मैच में भारत के हारने का मुख्य कारण क्या रहा। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।